एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हमने मूंग दाल को 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसे हमने पीस लिया है। मैंने एक मिक्सी जार में लहसुन, हरी धनिया, हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा डाल के इसको हल्का सा पीस लिया है और इसमें हमने इसको मिक्स कर दिया है। सिंपल सी तो मूँग की पकौड़ियाँ बहुत खाई होंगी, कुछ इस तरीके से बना के खाएँ, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब इसमें हम शिमला मिर्च को ऐड करेंगे, छोटे छोटे पीसों में हमने काट लिया था। प्याज को ऐड करेंगे, टमाटर एक हमने काट लिया था छोटे छोटे पीसों में, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला था पीसने के टाइम, वो हम दिखाना भूल गए। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। लाल मिर्च हमने ऐड किया है इसमें 1/2 चम्मच। कुछ इसको इस तरीके से बना देंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे जिससे थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाए। तो हमने रिफाइंड तेल लिया है और इसमें राई और करी पत्ता डाल के हमने तड़का लगा दिया है, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमने बनाया था। अब हमने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद हम पकौड़ियों की साइज़ की इस तरीके से इसमें डालेंगे। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। अब हम आपको चम्मच से दिखाएंगे कैसे किस तरीके से बनाना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था इसका, बहुत अच्छे बने हुए थे, सॉफ्ट बने हुए थे। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। गैस को थोड़ा धीरे कर देना है और धीरे गैस पे इसे थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करने के बाद ही दूसरी तरफ इसे हम पलटेंगे। तुरंत नहीं टच करना है वरना ये सारे ख़राब हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से बने हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी मूंग दाल की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। बाय।